हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो क्लास 5th से लेसन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का नाम पीपल हु हेल्प अस, ऐसे लोग जो हमारी मदद करते हैं, उन्हीं पर रिलेटेड ये लेसन है। और मैं बता दूं कि इसके पहले के जितने भी लेसन्स हैं, मैंने उन सभी लेसनों का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इन सभी जितने भी मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है, उन सभी लेसनों का अगर आप लोग को हिंदी अपलोड मतलब हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने में अच्छा लगता है और उनके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास 5th के जितने भी लेसन्स हैं, मैं उन सभी लेसनों का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी लाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि वैसे भी ये काफ़ी छोटा लेसन है, तो इस द पीपल हु हेल्प अस के बारे में क्या बताया गया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और उसके बाद से फिर कुछ बातों पर डिस्कशन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पहला जो लिखा गया है वो ये है, मैं आपको और भी क्लियर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा गया है कि रेहाना ऑन्स शॉप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑन्स ऑनर को शॉर्ट कॉट में ऑन्स लिख दिया गया है। ऑन्स का मतलब होता है मालिक, ठीक है। तो रेहाना ऑन्स शॉप, रेहाना जो है वह एक ऑन्स मतलब एक शॉप की, एक दुकान की मालिक है। मालिक तो नहीं है पर मालकिन है, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा गया है कि सी सेल्स, वह बेचती है फूड आइटम्स, ठीक है, वह भोजन के कुछ सामानों को बेचती है। एंड और स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, और घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड गुड्स का मतलब होगा घरेलू सामान, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रेहाना नाम की लड़की है वो क्या करती है कि भोजन के कुछ आइटमों को बेचती है और एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, और घरेलू कुछ सामानों को भी बेचती है। सीज़ा ग्रोकर, वह एक ग्रोकर है। ग्रोकर का मतलब पानवारी आप लोग समझते हैं फ्रेंड्स। दुकानदार में भी कई तरह के लोग होते हैं जिनमें एक पानवारी होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पंकज फिट्स अ वाटर पाइप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स, पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, ओके। जो पंकज है, पंकज नाम का जो आदमी है, वो क्या करता है कि फिट्स का मतलब लगाता है, वाटर पाइप्स का मतलब जो पानी देने वाले जो पाइप्स होते हैं उन्हें लगाता है, टैब नलों को भी लगाता है, ETC और ऐसे ही कई सारी चीज़ों को लगाता है। ही ऑल्सो रिपेयर डैम, और वह उन्हें ठीक भी करता है, रिपेयर भी करता है, उन्हें ठीक भी करता है। इज़ अ प्लम्बर, वह एक प्लम्बर है। पंकज जो है, जो पाइप को लगाता है, नलों को लगाता है और उन्हें वो ठीक भी करता है, तो वह एक प्लम्बर है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सभी के सभी लोग जो हैं हमारे सोसाइटी के हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर लिखा गया है आनंद ऑन्स अ बेकरी, ठीक है। आनंद कोई लड़का है। ऑन्स का मतलब अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि ऑन्स का मतलब होता है मालिक, जो कि ऑनर का मतलब यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। और बेकरी का मतलब, बेकरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर बिस्कुट, ब्रेड एवं केक जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, आनंद ऑन्स अ बेकरी, आनंद एक बेकरी का मालिक है। ही बेक्स बिस्कुट, जो बिस्कुट्स बनाता है, ब्रेड्स साथ ही साथ ब्रेड्स को बनाता है, जो ब्रेड्स खाने वाली होती हैं उनकी बात की जा रही है, यहाँ पर रोटी की बात नहीं की जा रही है। एंड केक्स, और केक को बनाता है, ETC और साथ ही साथ मतलब ETC ऐसे ही और भी चीज़ों को बनाता है। तो ये बेक्स बिस्कुट्स ब्रेड एंड केक्स, ठीक ना। तो जो आनंद है वो क्या करता है कि बिस्कुट, ब्रेड और केक जैसी चीज़ों को बनाता है। इज़ अ बेकर, वह एक बेकर है। बेकर का मतलब जो इस सारी चीज़ों को बनाता है, उन्हें बेकर कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है त्रिशा वर्क्स इन ऑफिस, ठीक है। त्रिशा एक ऑफिस में काम करती है। त्रिशा जो है वह एक ऑफिस में काम करती है। सी टाइप्स लेटर एंड डॉक्यूमेंट, वह क्या करती है, लेटर्स टाइप करती है एंड डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ कागज़ पत्रों पर भी वो टाइप करती है। सी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर, वह एक कंप्यूटर पर काम करती है। सी इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। जो तीसरा है, वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, मतलब कंप्यूटर को चलाने वाली लड़की है। यहाँ देखिए लिखा गया है चेतन, ठीक है। चेतन राइट्स अ बुक, चेतन नाम का कोई आदमी है जो किताबों को लिखता है।
ही राइट्स स्टोरीज, वह बहुत सारी कहानियों को लिखता है, एसेस बहुत सारे निबंधों को लिखता है, नॉवेल्स और जो है उपन्यासों को लिखता है एटीसी, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को लिखता है। इज एन ऑथर, वह एक लेखक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया शिवानी, शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट। शिवानी क्या करती है, वियर का मतलब होता है, वियर्स का मतलब होता है पहनती है, तो शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट, शिवानी एक काला कोट पहनती है। सी गोज टू द कोर्ट, वह कोर्ट में जाती है, कोर्ट का मतलब मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। सी प्लेस्ड केसेस देयर, जहाँ पर वह केसों को लड़ती है। सी इज अ लॉयर, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सी इज अ लॉयर, यहाँ पर लॉयर का मतलब झूठा नहीं है, ये लायर और लॉयर में अंतर होता है, तो वह जो है एक लॉयर है, वह एक वकील जैसा कुछ कामों को करती है। फ्रेंड्स आगे और भी बचा हुआ है, जॉर्डन सेल्स बोट एंड सीप्स, जो जॉर्डन है वो क्या करता है कि सेल, सेल्स का मतलब चलाता है या खेता है, वो क्या करता है कि बोट्स और सीपों को जो है चलाता रहता है, उन्हें चलाने का काम करता है। साइलर्स का मतलब होता है चलाने वाला या हाँ चलाने वाला। यहाँ पर देखिए, ही इज़ अ मेम्बर ऑफ क्रू, वह एक क्रू का मेंबर है। क्रू का मतलब जहाँ पर जहाज या विमान के कर्मचारी लोग होते हैं उसी में का यह एक मेंबर है। ही इज अ साइलर, और साथ ही साथ वह एक साइलर है। साइलर का मतलब नदी, नदी या समुद्र में जो नाव को चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें साइलर कहा जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि जॉर्डन सेल्स बोट एंड सीप्स, जो जॉर्डन है वो क्या करता है कि बोटों को और सीपों को चलाता है। इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू, वह जो है जहाँ पर मतलब नदी या समुद्र में जो नाव चलाने वाले जो कर्मचारी लोग होते हैं उनमें का ये एक है, और ही इज़ अ साइलर, वह एक मतलब नाव चलाने वाला है। यहाँ पर देखिए, गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन, गुरप्रीत नाम का कोई आदमी है जो क्या करता है, ड्राइव्स अ ट्रेन, वह एक ट्रेन को चलाता है। इट टेक्स पैसेंजर्स, वह पैसेंजरों को लेता है, एंड गुड्स ऑफ डिफरेंट्स, ठीक है, एंड गुड्स ऑफ डिफरेंट्स प्लेस, और उन्हें जो है विभिन्न विभिन्न जगहों पर ले जाता है बाय हिज ट्रेन, अपने ट्रेन से। ही इज़ अ लोको पायलट, वह एक लोको पायलट है। लोको पायलट का मतलब जो ट्रेन चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें लोको पायलट कहा जाता है। पैसेंजर का मतलब मैं बता दूँ फ्रेंड्स, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक में यही बताया गया कि वह क्या करता है, लोगों को अलग अलग जगहों से लेता है और उन्हें ले जा कर के जो है घुमाता है अपने ट्रेन के द्वारा, तो वह एक लोको पायलट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो लेसन था वो आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का मैं जवाब दूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।